हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं, मेरी फ्रेंड जा रहे हैं मूवी देखने। उससे पहले हमको मम्मी को डेंटिस्ट के पास लेके जाना है। उनका जो एक काम करवाया था वो अच्छे से हुआ नहीं, तो मम्मी और पापा भी जाएंगे हमारे साथ, पर उन्होंने मूवी देखने नहीं जाना है। उनको मैंने बोला चलो, पर वो मान नहीं रहे, बोलते नहीं नहीं हमने नहीं देखनी मूवी। हेलो भाजी, आपने देखना मूवी? क्यों यार, चलो। नहीं मान रहे यार, दोनों ही नहीं मान रहे। तो हमने बोला चलो आप दोनों वहाँ से रूम आ जाना, मैं और वैशाली उधर से आगे जाके मूवी देख के आएंगे। और थोड़ा सा मुझे ना कुछ लेना था, वो देखते हैं आगे जाके कि वो क्या होता है। तो अभी तो चलो फिर चलते हैं। बस बस मेरे मम्मी पापा जा तक रहे हैं यहाँ से चलने के लिए, मैं तो थोड़ा सा चल के थक जाती हूँ। पापा 3 सांस में ऊपर, भाई ऐसा तो 1 2 है ऊपर, 3। हाँ मेरे तो ये देख के ही मेरे जैसा लगता है भाई गॉड बस हो गया। अरे सोनिया मम्मी पापा हमसे पहले गए, तो वो पहले पहुंच गए और हमें जाते ही मिल गया ऑटो। तो हमको पहले जाना है मम्मी के डेंटिस्ट के पास। जैसे मैंने बताया कि उनके दांतों में थोड़ा सा दिक्कत है, तो मम्मी को हम लोग डेंटिस्ट के पास छोड़ के मैं और वैशाली निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगने वाला है। मुझे ना किसी ने ये रोज़ दिया और इसकी स्टोरी मैं आपको शाम को घर जाके बताऊँगी। तो अभी हम आए हैं मिट्टू के पास और ये है मिट्टू, ये टैटू बना रहा है। और इसने हमको रोक के रखा है कि इसने भी मूवी आना है और 3 बजने को है। और अगर इसने तो कर दिया ना, और कहता है मर्द की जुबान है, मर्द कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, हम इसका वेट करेंगे 3:15 बजे तक। 3 बजने वाले और 3:30 बजे का हमारा शो है। 20 मिनट में मेरा टैटू कम्प्लीट हो रहा है और मैं मूवी देखने जाऊंगा। तो मिट्टू के साथ एक अनएक्सपेक्टेड प्लान था, और जो मुझे डाउट था कि पूरी होगी या नहीं होगी। अगर इस बंदे ने धोखा दिया हमारे को तो इसकी दुकान में कुछ चीजें तो जरूर तोड़ के जाऊंगी मैं। कौन सा बोतल? नहीं मैं ये तोड़ के जाऊंगी। तो हमने काफ़ी देर इसका वेट किया, मुझे लगा था इसका काम 3:30 बजे तक कम्प्लीट नहीं होगा, बट इसका काम हो गया और ये फाइनली हमारे साथ मूवी देने चल रहा है। फाइनली हमारा टाइम हो गया है एंड उसका भी काम खत्म हो गया, पर आगे आ गया। तो मिट्टू का वेट करते करते 3:30 तो हो ही गए और मूवी थी 3:30 बजे की, तो हम लोग हो गए लेट। तो हमने फटाफट से यहाँ ऑटो लिया और ऑटो लेके हम पहुँचे सीधा सुंदर अयान थिएटर। पहले हमने सोचा था कि हम टिकट यहीं पर ही करेंगे, बट वहाँ लेट हो रहे थे तो हमने ऑनलाइन टिकट ही किया। हम हो गए लेट और मूवी हो गई स्टार्ट थिएटर में। और ये वाला थिएटर ना मैं पहली बार आ रही हूँ, ये जो नीचे वाला सेकंड ऑडिटोरियम है, इससे पहले हम लोग जितनी बार भी गए फर्स्ट ऊपर वाला ऑडिटोरियम में गए हैं, ये सेकंड है, पहली बार आ रही हूँ। मुझे नहीं पता अंदर कैसा है, लेट्स गो चेक इट आउट। तो मुझे मूवी बीच में छोड़ के ही रूम जाना पड़ा, और रूम जाने से पहले ही मम्मी मिल गई मुझे, और वो इतने गुस्से में थे, उन्होंने मैं भी गुस्से में होगी क्यों नहीं यार, देखो नीचे पहुँच के उठाना पड़ा और मैं वापस जा रही हूँ देखते क्योंकि वैशाली को। तो भागते भागते मैं फिर से पहुँची सुंदर आयान थिएटर मूवी देखने, क्योंकि वैशाली को वहीं रखा था और वो मेरा वेट कर रही थी। मिट्टू भी जो है बीच में चला गया था, उसको काम आ गया। मैं पेसिंग करने गया था, मुझे कोई दुख नहीं हुआ था। मैं क्यों गया? हाँ नहीं नहीं मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी, ठीक ठीक लगी। मूवी खत्म हो गई, अंधेरा होने वाला है। तुम्हें कैसी लगी मूवी? बेकार बेकार। आपको शाहरुख खान की फैन? ओके ओके। और मेरे को ना बिल्कुल ही ओके ओके, कितने ओके मतलब बीच में चली भी गई थी। तो आज की मूवी मुझे सच में काफ़ी बोरिंग लगी, मुझे मैं मूवी से कनेक्ट नहीं कर पाई, एक्टिंग भी ठीक ठीक ही लग रही थी मुझे। तो मूवी के बाद हम आए मार्केट की तरफ को, और माल रोड पे शाम को 5:30 बजे के बाद गाड़ियों का आना जाना बंद होता है, तो अभी हम जाएंगे कुछ खाने। और अभी चलते चलते मुझे मेरे दोस्त दिख गए सामने से आते हुए, तो कसम से इतनी खुशी हुई ना बता नहीं सकती मैं आपको, बस हमारे रिएक्शन ही देख लो आप। मुझे
देखो कौन मिला, मेरे दोबरे। और खाने के लिए हम लोग सब जाएंगे मेरे फेवरेट प्लेस बैंगलोर टिफिन। दिस इज माय फेवरेट प्लेस, ये मेरा फेवरेट प्लेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर खाना खाना। ये है हमारा पड्डू, खाओ पड्डू प्लीज, है वो पड्डू एक है वो पड्डू एक एक पड्डू खा लो। थैंक यू यार, ये हमारी इडली, आई लव इडली यार, सांभर पी ले तो। कैसा लगे तुमको पद्दू? यार इसने पूरा खा लिया, उसके बाद सेकंड खा रहा है, फिर भी स्वाद दे रहा है। नहीं यार मेरी बहुत इंपेशेंट लड़की है, जल्दी जल्दी बोला करो। ठीक ठीक है प्लीज यार। और पड्डू और इडली के साथ साथ हमने ऑर्डर करी फिल्टर कॉफ़ी, यहाँ की फ़िल्टर कॉफ़ी बहुत अच्छी है, बट आज मेरा मन था चाय पीने का, तो सनमदी और मिट्टू ने जो है फ़िल्टर कॉफ़ी ली, मैंने, वैशाली ने और सीतू ने, हमने ली यहाँ पर मसाला चाय। तो मुझे यहाँ पे अभी एक और दी मिले, ये भी बैंक में जॉब करते हैं और इनकी एक बेटी है जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो उसका नाम है अग्रिमा, तो मैंने ये बलून जो है अभी अग्रिमा के लिए दिया है। तो मार्केट से अब हम निकल रहे हैं रूम के लिए, तो आज हमारे को सच में बहुत लेट हो गया। मैंने सोचा आप लोग गुस्से में ना पाओ, तभी गुस्से में सॉरी यार, सॉरी पापा सॉरी। क्यों ना कुछ आ रहा है रुजन, पर मैं आप लोगों को लाई हूं सॉरी के लिए, मुझे माफ कर देना करके। कर रही हूं हां, डांटो इसको थोड़ा सा, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। चल ऐसे लो हमारी की खाने, वही तो निकाल रही हूं, ये मेरा आज ना मैंने घर वालों को 2-3 घंटे के लिए ऐसे बाहर रख दिया, चाबी ले गई थी ना मैं साथ में, मम्मी तो इतना गुस्सा हो गई थी ना, भगवान चाबी वैसे छीन के लिया मुझसे इन्होंने यार। मैंने मैंने हम ऐसे छीन के लिया हमने, सॉरी सॉरी, अब खाओ, माफ कर दिया। तो अब हम भी पहुंच गए हैं रूम, 8 बज गए, आज हम सुबह निकले थे 11 बजे, आते आते 8 बज गए। अब करते हैं चेंज, खाना जो अपन ने बनाया है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने खा लिया, और मुझे ना दिन में एक रोज दिया था तो मैं वो आपको बताना भूल गई। वह मिली मुझे और उन्होंने मुझे ये रोज दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा सच में, उनका नाम भी नहीं पूछ पाई और वीडियो तो खा, मुझे ना एकदम से कोई मर जाए और मुझे वीडियो नहीं बनाया जाता मुझसे, नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी अगर कोई मुझे ऐसा मिले जरूर बनाऊंगी उनके साथ मैं वीडियो, उनको थैंक यू सो मच, मतलब बहुत अच्छा लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो थैंक यू सो मच। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पर ही कंप्लीट करती हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय गुरु मामा, बाय गुरु बाबा, बाय बाय।